Presenting Jumanji, Welcome to the Jungle। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली कहानी खत्म हुई थी, यानी कि समंदर के किनारे, जहां पर एक आदमी को जुमांजी बोर्ड मिलता है और ये साल होता है सन 1996। वो आदमी जुमांजी गेम को उठाता और अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उस गेम को अपने बेटे को दे देता है। ये वो साल होता है जब बच्चे वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए वो लड़का इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। रात को जब वो सो रहा होता है, जुमांजी बॉक्स से एक बार फिर से आवाज आती है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर वीडियो गेम का कार्ट्रिज होता है, जिसका मतलब ये है कि इस गेम ने अपने खेलने के नेचर को बदल दिया है, क्योंकि ये एक जादुई गेम है। और अब वो लड़का उस कार्ट्रिज को अपनी वीडियो गेम में लगाता है, जिसके बाद उसके कमरे में रोशनी दिखती है और वो लड़का अपने कमरे से गायब हो जाता है। इस घटना के 21 साल बीत जाने के बाद हमें स्पेंसर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक भी होता है, इसीलिए उसका एक क्लासमेट हमेशा उससे अपना होमवर्क करवाता है। ये साल होता है सन 2017। स्पेंसर का दोस्त उसे फ्रीक हाउस में बुलाता है। ये फ्रीक हाउस उसी लड़के का है जो आज से 21 साल पहले वीडियो गेम के अंदर कार्ट्रिज डालने के बाद गायब हो गया था। उस लड़के का नाम था एलेक्स। एलेक्स के गायब होने के बाद उसके पिता का बिहेवियर बहुत अलग हो गया था, इसीलिए सब ने इस घर को फ्रीक हाउस का नाम दिया, जहां अब कोई भी नहीं रहता। अब यही एक स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर बेथनी और मार्था नाम की दो स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों को पनिशमेंट के लिए एक दूसरे रूम में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहां पर स्पेंसर को और उस लड़के को, जो जबरदस्ती स्पेंसर से अपना होमवर्क करवाता है, जिसका नाम फ्रेज है, इन दोनों को भी पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है। इन चारों को पुरानी मैगजीन से पिंस निकालने हैं। अब इन्हें यहीं पर वो गेम मिलती है, जिस गेम के अंदर आज से कई साल पहले एलेक्स ने कार्ट्रिज डाला था और खुद वो गेम के अंदर चला गया था। ये दरअसल एलेक्स के पिता ने स्कूल को डोनेट कर दी थी और अब चारों के चारों अपना अपना प्लेयर सेलेक्ट करके इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। और ये जुमांजी गेम है। ये चारों के चारों जैसे गेम को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके गेम के अंदर चले जाते हैं। इन चारों ने जिस जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया था, गेम के अंदर इनका रूप और इनकी पावर उसी प्लेयर के हिसाब से बन जाती है। स्पेंसर ने जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया था, उसका नाम है ब्रेवस्टोन, यानी कि स्पेंसर ब्रेवस्टोन बन चुका है, जो कि कॉन्फिडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर है। साथ ही यहाँ पर फ्रेज ने जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया था, उसका नाम होता है मूज, जो कि एक जियोलॉजिस्ट और वेपन कैरियर है। साथ ही मार्था, जिसने रूबी राउंड हाउस को चूज किया था, वो इस गेम में, इस दुनिया में एक कमांडो है। और उसकी साथ ही बेथनी, जो कि शैली के अवतार में इस गेम के अंदर आती है, जो कि एक मेल है और ये एक साइंटिफिक फील्ड का एक्सपर्ट है। इन सब के हाथों में तीन तीन लाइन के टैटूज होते हैं, जो कि इनकी लाइफ लाइन है, यानी कि इन्हें तीन तीन चांसेस मिलेंगे। जैली नदी के किनारे जाता है, जहां पर हिपोपोटामस उसे निगल जाता है, यानी कि वो मारा गया, लेकिन उसके पास तीन लाइफलाइन है, इसीलिए ऊपर से दोबारा आ जाता है। हिपोपोटामस अब भी इनका पीछा कर रहा होता है, सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी जंगल में एक गाड़ी आती है, जिसमें एक आदमी होता है, वो इन सबको हिपोपोटामस से बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो गेम के अंदर इनका गाइड है, वो इन्हें गेम के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, साथ ही इन्हें इस राउंड से दूसरे राउंड में ले जाता है। साथ ही इन्हें बताता है कि इस जंगल का नाम जुमांजी है और अगर इन्हें सब कुछ ठीक करना है, यहाँ से निकलना है, तो इन्हें इस गेम को खत्म करना होगा। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम वैन है। वैन कई साल पहले अपने पार्टनर, जिसका नाम ब्रेवस्टोन है, उसके साथ यहाँ पर एक खास किस्म का हीरा ढूंढने के लिए आया था, जो इन्हें एक जैगवार की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति की आंख के रूप में मिला। ये जैगवार की मूर्ति इस जंगल की, इस पूरी जगह की रक्षा करती है, लेकिन वैन ने उसकी आंख को, सिरे को निकाल दिया, जिसके बाद ये जंगल श्रापित हो गया और इस जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सब के सब उसके अधीन हो गए, यानी कि वो उन सब को कंट्रोल करता है। गाइड इन चारों को बताता है कि एक दिन जब वैन सो रहा था, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने हीरे को चुरा लिया और अब वो हीरा मेरे पास है। इसके बाद वो हीरा इनको दे देता और कहता है कि तुम्हें इस हीरे को जैगवार की आंख में लगाना होगा, तभी ये गेम खत्म होगी। हीरा लगाने के बाद तुम्हें बोलना होगा जुमांजी। दरअसल जैगवार की आंख लगाने के लिए इन सब को एक एक करके सभी राउंड्स को पार करना होगा, तभी ये जैगवार की आंख लगा
लगा सकते हैं। गाइड इन्हें एक नक्शा देता है और कहता है कि इसका हिस्सा एक और है जो तुम्हें इस राउंड में मिलेगा, और जब तक तुम्हें वो हिस्सा नहीं मिलता तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस राउंड को पार नहीं कर पाओगे। गाइड यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर वैन के बहुत सारे लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में रूबी मारी जाती है लेकिन उसके पास 3 लाइफ लाइन है, इसीलिए वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखते हैं कि रूबी के हाथ में जो 3 लाइन्स थी उनमें से एक लाइन मिट चुकी है, शैली की भी एक लाइन मिट चुकी होती है। ये समझ जाते हैं कि इनके पास 3 मौके हैं, अगर इन्होंने 3 मौके खो दिए तो ये इस गेम में मारे जाएंगे। अभी सब के सब झरने से कूद कर वैन के लोगों से बच जाते हैं। रास्ते में स्पेंसर जो की ब्रेव स्टोन है, साथ ही फ्रेज जो की मोज है, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और यहाँ पर फ्रेज यानी की मोज ब्रेव स्टोन यानी की स्पेंसर को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अगले पल वो ऊपर से दोबारा आ जाता है यानी कि उसकी भी एक लाइफ लाइन अब खत्म हो चुकी है। ये सब फैसला करते हैं कि ये आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर इस गेम को खत्म करना है। ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक गाँव में पहुंचते हैं जहाँ पर मूज केक खा लेता है जो उसे नहीं खाना चाहिए था, वो उसकी कमजोरी है। केक खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मूज की भी एक लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। अभी इनके पास एक बच्चा आता और कहता है वेलकम टू जुमांजी और इन सबको अपने साथ ले जाता है जहां पर एक लकड़ी का बॉक्स है। वो कहता है कि अगर तुमने आंखें झपकाई तो तुम मारे जाओगे। ये एक तरह की पहेली है जिसे इन्हें सुलझाना होगा। ब्रेवस्टोन उस बॉक्स के पास जाता है, उसके ढक्कन को खोलता है, अंदर से ब्लैक मांबा निकलता है जो कि बहुत ही जहरीला सांप है। मोज कहता है कि अगर इसने तुम्हें काट लिया तो 1 सेकंड में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके अंदर शायद वो नक्शे का दूसरा हिस्सा है जो हमें चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें इससे नजर मिलानी होगी। अब सांप इनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन मोज उसके दांत निकाल देता है क्योंकि अगर वो किसी को काटेगा भी तो किसी को जहर नहीं फैलेगा। और अभी उस बॉक्स के अंदर देखते हैं जिसमें एक कागज होता है। उस कागज को खोलने के बाद उसके अंदर हाथी की छोटी सी मूर्ति होती है। कागज में लिखा होता है कि जैसे तुम हाथी को देखो तो चढ़ाई करना शुरू कर देना। ये समझ जाते हैं कि नक्शे का दूसरा हिस्सा ये नहीं है, इन्हें अभी भी उसे तलाश करना होगा। अब जब ये बाहर आते हैं तो वैन के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वैन भी यहाँ पर आ जाता है पर इससे पहले कि इन सब को पकड़कर यहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन सब को निकाल कर एक खुफिया रास्ते से इस जगह से ले जाता है। जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है जो आज से 21 साल पहले इस गेम के अंदर सबसे पहले आया था। उसकी 2 लाइफ लाइन पहले ही खत्म हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ 1 लाइफ लाइन है। अगर वो मारा गया तो सच में मारा जाएगा। चारों को ये भी पता चलता है कि नक्शे का जो दूसरा हिस्सा था वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एलेक्स था जो कि अब इन्हें मिल चुका है। ये एलेक्स को विश्वास दिलाते हैं कि ये सब उसे मिलकर बचाएंगे और इस गेम को खत्म करेंगे ताकि सब के सब अपने घर वापस पहुंच जाएं। लेकिन इस घाटी को पार करने के लिए इन्हें एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी जहां पर होती है वहां पर बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। इन्हें सबसे पहले उनका ध्यान भटकाकर गाड़ी को हासिल करना होगा। अब इनके साथ जो रूबी होती है वो गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जाती है और पीछे से सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गाड़ियां हैं। यहां पर हेलीकॉप्टर भी है। ये इस जगह से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर चूज करते हैं। रूबी भी अपनी डांसिंग स्किल के साथ साथ फाइटिंग स्किल को भी यूज करके उन गार्ड्स पर हमला करके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। पर जब सब के सब हेलीकॉप्टर से यहां से निकल रहे होते हैं तो वैन के कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक घाटी एक खाई में गिर जाता है। वहां पर बहुत सारे गेंडे होते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं जो जल्दी इनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। एक गेंडा अपने सींग से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करता है जिससे हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड होता है वो अपनी जगह से हट जाता है। अब ये चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकते। ब्रेवस्टोन को जब ये पता चलता है तो वो ऊपर जाकर उस ब्लेड को फिक्स करता है जिसके बाद इनका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। मौस से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। उसके बैग में जो हीरा है जो कि जैगुआर की आंख है वो वहीं घाटी में गिर जाता है यानी कि इन्हें वापस जाकर उस हीरे को हासिल करना होगा। ये घाटी के ऊपर हेलीकॉप्टर को उस जगह लेकर आते हैं जहाँ पर हीरा होता है लेकिन नीचे अब भी खतरनाक जानवर है इसीलिए कोई नीचे नहीं जाना चाहता। रेवस्टोन मौस को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है जिसके बाद जानवर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मौस अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ब्रेवस्टोन को मौका मिल जाता है। वो नीचे जाकर हीरा उठाकर ऊपर ले आता है और मोस को गेंडे मार देते हैं जिससे उसकी एक और लाइफ लाइन खत्म हो जाती है यानी कि उसके पास अब एक ही लाइफ लाइन बची है। अब इस सब के सब घाटी पार करके ऊपर आ जाते हैं जहां पर एलेक्स को एक
मॉस्किटो काट लेता है। ये उसकी एक वीकनेस है, जैसे कि मॉस की केक थी जिसे खाकर उसकी मृत्यु यानी कि एक लाइफ लाइन खत्म हो गई थी, इसीलिए अब यहाँ पर एलेक्स भी मर रहा होता है। शैली जिसके पास अब भी दो लाइफ लाइन है, वो अपनी एक लाइफ लाइन एलेक्स को दे देती है जिससे उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर जो ब्रेव स्टोन है वो मार्था को प्रपोज करता है, वो बताता है कि जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर मार्था भी उसे पसंद करने लगी है क्योंकि वो असली दुनिया में एक बहुत ही डरपोक लड़का था लेकिन इंटेलिजेंट था, पर यहाँ पर वो इंटेलिजेंट भी है और एक बहादुर इंसान भी, इसीलिए मार्था उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी सब के सब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये जगुआर की बड़ी मूर्ति को देखते हैं जिस तक इन्हें पहुंचना है, पर उस जगुआर की मूर्ति की रक्षा असली के जगुआर कर रहे हैं। ब्रेवस्टोन तय करता है कि वो पेड़ों के ऊपर से जाएगा, पर वो गलती से पेड़ से नीचे गिर जाता है जिसके बाद जगुआर उसे मार देते हैं। उसकी भी एक लाइफलाइन खत्म हो जाती है यानी कि अब उसके पास भी एक ही लाइफलाइन है, इसीलिए तय करते हैं कि ये अलग अलग रास्ते से जगुआर की मूर्ति तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मूस और शैली अलग रास्ते से दोनों एक साथ जाते हैं। रूबी यहाँ पर वैन के लोगों से फाइट कर रही होती है क्योंकि वो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच गए होते हैं, और ब्रेवस्टोन जो कि सीधे रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। एलेक्स यहाँ पर जगुआर का ध्यान भटका रहा होता है ताकि वो किसी के ऊपर हमला ना करे। अब यहाँ पर वैन भी आ चुका है जो शैली को पकड़ लेता है, लेकिन मूस को यहाँ पर एक हाथी दिखता है जिसके ऊपर बैठकर वो मूर्ति पहुंच जाता है। ब्रेवस्टोन देखता है कि वैन के एक आदमी ने रूबी को पकड़ लिया है, वो उसकी जान बचाता है और वैन के आदमी की बाइक लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मूर्ति है। ब्रेवस्टोन देखता है कि वैन ने शैली को गन पॉइंट पर ले रखा है और वो ब्रेवस्टोन से कहता है कि अगर तुमने मुझे हीरा यानी कि आंख नहीं दी तो मैं शैली को गोली मार दूंगा। ब्रेवस्टोन कहता है कि मेरे पास वो हीरा नहीं है, और तभी यहां पर एक बहुत बड़ा हाथी आता है जिसके ऊपर मॉस बैठा होता है। हाथी सभी जगुआर को कुचलता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और हाथी ज्यादा हिलने डुलने की वजह से मोस के हाथ से हीरा छटक कर ऊपर गिर जाता है, साथ ही यहाँ पर वैन की गन भी गिर जाती है। ब्रेवस्टोन को वो लाइन याद आती है जो हाथी वाली मूर्ति के साथ कागज में लिखी हुई थी कि जब भी हाथी को देखो तो ऊपर की तरफ जाओ, और अब ब्रेवस्टोन उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे जगुआर की आंख को लगाना है यानी कि हीरे को फिक्स करना है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो अपनी बाइक से अपनी जान पर खेलकर उस जगह तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैली को दिखाया जाता है जो अब जगुआर की आंख तक यानी कि हीरे तक पहुंच जाती है, पर वैन वहां पर आकर अपनी शक्तियों से उसके चारों तरफ सांपों को इकट्ठा कर देता है। सांप उसकी कमजोरी है यानी कि वो सांप से मर सकती है, लेकिन अब भी इसके पास दो लाइफ होती है, इसीलिए शैली उस जगह पहुंचकर उस हीरे को उठा लेती है। सांप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु के बाद उसे एक और लाइफ मिलती है जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ब्रेवस्टोन है। वो ऊपर से नीचे गिरते हुए ब्रेवस्टोन के हाथ में जगुआर की आंख दे देती है। जगुआर उस आंख को जगुआर की आंख की जगह पर लगा देता है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं बदलता। और तभी सबको याद आता है कि आंख लगाने के बाद इन सबको जुमांजी कहना है। अभी ये गेम खत्म होगी, अभी सब के सब एक साथ मिलकर जुमांजी कहते हैं, और जुमांजी कहते ही यहां पर जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है, साथ ही वैन भी यहां से गायब हो जाता है। अभी यहां पर वो गाइड आता है जिसने इन्हें जगुआर की आंख यानी कि हीरा दिया था। वो इन सबका शुक्रिया करता और कहता है कि तुमने हमारे जंगल को यानी कि जुमांजी को श्राप मुक्त कर दिया, वो पहले की तरह हरा भरा हो गया। वो एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है और जैसे वो हाथ मिलाता है सबके सब वहीं वापस आ जाते हैं जहां से इन्होंने गेम शुरू की थी। लेकिन ये चारों ये देखकर हैरान होते हैं कि एलेक्स इनके साथ यहां पर नहीं आया। ये सबके सब यहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जब ये एलेक्स के घर के आगे से गुजरते हैं जिसे फ्रीक हाउस कहा जाता था, जो पूरी तरह से अबैंडन था, अब वो एक खूबसूरत घर होता है। और तभी एलेक्स अंदर से निकलता वो बताता है कि जुमांजी गेम ने मुझे वापस मेरे वक्त में भेज दिया था, यानी कि 1996 में जब मैंने उस गेम को खेला था और उस गेम की दुनिया में चला गया था। उसके बाद मैंने शादी की, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मैंने अपनी बेटी का नाम शैली यानी कि बेथनी रखा है क्योंकि बेथनी ने ही मुझे अपनी पावर अपनी लाइफ देकर जिंदा किया था। ये चारों के चारों जो पहले कभी अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते थे अभी सबके सब अच्छे दोस्त हैं। स्पेंसर जिसका गेम में नाम ब्रेवस्टोन था, उसका मार्था से यानी कि रूबी से अब रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब ये उस गेम को भी तोड़ देते हैं जिस गेम की वजह से पिछली कहानी के 2 साल बाद की कहानी है जहाँ पर हमें स्पेंसर को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क पढ़ाई के लिए
शिफ्ट हो चुका है और तभी उसे मार्था का मैसेज आता है। वो अपने पुराने दोस्तों को मिस करता है, इसीलिए वो अपने होम टाउन आ जाता है जहाँ पर ये चारों के चारों एक बार फिर से क्रिसमस के दिन मिलने का तय करते हैं और इनके मिलने की जगह होती है नौराज। अब तीनों के तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं लेकिन स्पेंसर जो पिछली कहानी में ब्रेव स्टोन था वो वहां पर नहीं पहुंचता। इसीलिए तीनों के तीनों उस जगह जाते हैं जहां पर स्पेंसर रहता है, यानी कि उसके घर पर। स्पेंसर के घर पर इन्हें स्पेंसर के दादाजी और उनका एक पुराना पार्टनर जिसका नाम माइलो है वो मिलते हैं। जब स्पेंसर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। ये सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर जुमांजी गेम जिसे पिछली कहानी में तोड़ दिया गया था वो अब भी पूरी तरह से ठीक होती है। दरअसल स्पेंसर ने इसे ठीक किया है क्योंकि उसे जुमांजी गेम वाला कैरेक्टर यानी ब्रेवस्टोन जो पिछली बार गेम के अंदर जाने के बाद बन गया था बहुत पसंद होता है। वो उस दुनिया में ताकतवर था जबकि इस दुनिया में वो ताकतवर नहीं था, इसीलिए वो एक बार फिर से गेम की दुनिया में जा चुका होता है। और अब इन सबको पता चल जाता है कि स्पेंसर गेम की दुनिया में यानी कि जुमांजी में जा चुका है, इसीलिए सबके सब एक बार फिर से गेम की दुनिया में चले जाते हैं। जुमांजी के जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि बेथनी जो पिछली बार प्रोफेसर शैली बनी थी वो गेम में एंटर हुई नहीं, उसके बदले यहाँ पहुंच चुके होते हैं स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त माइलो। स्पेंसर के दादाजी यहाँ पर बने होते हैं ब्रेवस्टोन जो पिछली कहानी में उनका पोता स्पेंसर बना था, और साथ ही माइलो यहाँ बन गया होता है मोस जो पिछली कहानी में फ्रेज बना था, और फ्रेज अब इस नई दुनिया में यानी कि जुमांजी में बन चुका है प्रोफेसर शैली जो नक्शों का जानकार था। मार्था अब भी अपने पुराने कैरेक्टर यानी कि रूबी रोड हाउस के रूप में होती है। यहाँ पर स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त जो माइलो है वो पहली बार आए हैं, इसीलिए सारे के सारे रूल्स उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर इनका गाइड आता है जो कि हेलीकॉप्टर में है, वो इन सबको अपने साथ ले जाता है और बताता है कि जुमांजी गेम ये जंगल एक बार फिर से खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पूरा का पूरा जुमांजी जंगल सूखे का सामना कर रहा है और इसका कारण है कि जुमांजी जंगल के कबीले के सबसे बूढ़े आदमी के गले में एक नेकलेस था जिसका नाम फैल्कन हार्ट है। उसे जुग्रान नाम के एक आदमी ने जो कि बहुत ही खतरनाक है उसने चुरा लिया, जिसके बाद जुमांजी जंगल एक बार फिर से श्रापित हो गया और अब यहाँ पर सूखा पड़ चुका है। और हमें अगर इस सूखे को खत्म करना है, श्राप मुक्त करना है, तो हमें उस फैल्कन आई को जुग्रान से किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा और सूरज की रोशनी को दिखाते हुए जुमांजी कहना होगा, तभी हम इस लेवल को खत्म कर पाएंगे जिसके बाद श्राप भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गाइड इन सब को एक बीहड़े के रेगिस्तान में छोड़ देता है जहाँ इनके सामने एक ऑस्ट्रिच आता है। ब्रेवस्टोन उसके सामने जाता और तभी वो ऑस्ट्रिच उसे मार देता है, यानी कि उसने अपनी एक लाइफ एक चांस खो दिया। अब उसके पास दो और चांसेस हैं। ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर ऑस्ट्रिचेस का पूरा झुंड आ चुका है जो इन्हें मारना चाहता है। ये गाड़ी से ऑस्ट्रिचेस से बचते हुए भाग रहे होते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। ये गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि इनके पीछे पूरा का पूरा ऑस्ट्रिचेस का झुंड है, इसीलिए ब्रेवस्टोन उस गाड़ी को वहां से कुदाकर दूसरी तरफ पहुंचा देता है जिस वजह से इन सब की उन ऑस्ट्रिचेस से जान बच जाती है। वहीं हमें असली दुनिया में बेथनी को दिखाया जाता है जो अब भी इस गेम के अंदर नहीं आई। वो एलेक्स के पास जाती और कहती कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए। और अब ये चारों के चारों जो गेम के अंदर है उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर योर्गन है। यहां पर ब्रेवस्टोन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि क्लू है, उसे फॉलो करते हुए योर्गन के लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनके पास एक चेस्ट होता है जिसके अंदर ज्वेल है। अब ये सोच ही रहे होते हैं कि इस चेस्ट को ज्वेल को कैसे वहां से उड़ा कर ले जाएं। तभी यहां पर लाइट बंद हो जाती है और एक लड़की जिसका नाम मिंग फ्लीटफुट होता है वो चेस्ट की चाबी चुरा कर भाग रही होती है, लेकिन ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेता है और योर्गन के हाथ सौंप देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है जो इस बार गेम के एक नए कैरेक्टर के रूप में है जिसका नाम मिंग फ्लीटफुट है। अब इनके साथ मिंग यानी कि स्पेंसर भी आ चुका है। ये सब के सब आगे की प्लानिंग करते हैं जिसके मुताबिक मिंग ब्रेवस्टोन और मूस ये सब के सब कैमल्स यानी कि ऊंट लेने के लिए जाते हैं, जबकि रूबी और शैली ये दोनों के दोनों बेरीज लेने के लिए जाते हैं। अब रूबी किसी तरह से पानी से बसते हुए बेरी के पेड़ तक पहुंच कर बेरी जब वापस ला रही होती है तो पानी में गिर जाती है। उसकी मदद के लिए शैली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जब वो उसका हाथ खींचता है तो इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि रूबी की बॉडी में जो कैरेक्टर था वो शैली की बॉडी में चला जाता है और शैली की बॉडी का कैरेक्टर रूबी की बॉडी में आ जाता है। ये दोनों के दोनों अपने पहले वाले कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, इसीलिए शैली वो सारे एक्शंस रिपीट करता है जो कि रूबी ने किए थे और एक बार फिर से इनके
अंदर के कैरेक्टर यानी कि जो अंदर असली के इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं, ये पहले की तरह बन जाते हैं। वहीं ब्रेवस्टोन मिंग और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रेवस्टोन बाहर ही खड़ा होता है जबकि मोस और मिंग अंदर जाते हैं। अब जब ब्रेवस्टोन बाहर होता है तो यहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सच में एक ब्रेवस्टोन है, बहुत ताकतवर है, वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। वहीं मिंग को और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल के पास होते हैं। मिंग को पता चलता है कि मोस एनिमल से कैमल से बात कर सकता है, इसीलिए उसकी मदद से कैमल्स लेकर बाहर आ जाते हैं। पर तभी वहां पर ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है जो इन पर हमला करके इन सब को मार देता है, यानी कि इन सब की एक एक लाइफ खत्म हो चुकी है। अब ये सब के सब कैमल्स के ऊपर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां से आगे कैमल्स नहीं जाते क्योंकि आगे खतरा है। इसका मतलब आगे का सफर इन सब को पैदल ही तय करना होगा। ये पांचों के पांचों आगे पैदल जाते हैं जहां पर बहुत सारे लकड़ी के ब्रिजेस होते हैं। शैली की मदद से ये एक ब्रिज को चूज करते हैं जिसके बाद बहुत सारे मंकीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और अब ये सब अपनी जान बचाने के लिए उन मंकीज से लड़ रहे होते हैं। अब रूबी अपनी जान बचाने के लिए एक गलत ब्रिज के ऊपर चली जाती है और तभी वहां पर एक मंकी आता है जो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी भी एक लाइफ अब कम हो चुकी है। वहीं दूसरे ब्रिज पर मिंग के ऊपर भी मंकी हमला कर देता है और इससे पहले कि वो मिंग को मारता, ब्रेवस्टोन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है जिससे मंकी मारा जाता है। पर यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं जो इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रेवस्टोन और मिंग जोर जोर से ब्रिज को हिलाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से मिंग ऊपर से नीचे दूसरे ब्रिज पर गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पर रूबी आ जाती है और वो उसे लेकर इस जगह से सुरक्षित दूसरी तरफ चली जाती है। अब सब के सब दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं लेकिन अब भी मंकीज इनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एलेक्स एक घोड़े के ऊपर आ जाता है। घोड़े की मदद से वो सभी मंकीज को यहाँ से भगा देता है और हमें पता चलता है कि एलेक्स के पास जो घोड़ा है दरअसल में वो बेथनी है। इस बार वो एक घोड़े के रूप में यहाँ पर आई है। यहाँ पर जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं सब अपनी अपनी दो दो लाइफ खत्म कर चुके हैं, यानी कि इनके पास एक एक चांस है। ये अपने असली रूप में नहीं होते जिस तरह से पिछली कहानी पिछले फिल्म में थे, इसीलिए अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे होते। और तभी ये एक बार फिर से पानी को देखते हैं। ये वही पानी होता है जिसमें रूबी ने और शैली ने अपने अपने कैरेक्टर्स को चेंज किया था और अब ये सबको बता देते हैं कि कैसे ये अपने असली अवतार में आ सकते हैं जिस तरह से पिछली कहानी में थे। ये सब के सब पानी में कूद जाते हैं और इसके बाद जिस बॉडी में जो पिछली बार था वो उसी बॉडी में आ जाता है। स्पेंसर के दादाजी जो कि ब्रेवस्टोन थे अब वो बन जाते हैं मिंग और उनका साथी माइलो बन जाता है घोड़ा। अब ये सब के सब गीले हो चुके हैं इसीलिए अपने आप को सुखाने के लिए रेस्ट करने के लिए कुछ देर वहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि योर्गन के लोग मिंग और घोड़े को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि स्पेंसर के दादाजी को और उनके दोस्त माइलो को। इन्हें पता है कि योर्गन के किले में ये उन्हें वापस पा सकते हैं, इसीलिए इन सबको योर्गन के किले में जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब की अब एक एक लाइफ बची हुई है। एलेक्स कहता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा और उसके प्रोत्साहन देने पर ही सब के सब योर्गन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते सबके अलग होते हैं, जहां पर ब्रेवस्टोन और रूबी पहाड़ पर चट्टान पर चढ़कर उस तरफ जा रहे होते हैं, वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो योर्गन के लोगों के साथ मिलकर किले के अंदर जा रहा होता है। मोस और शैली भी उनके पीछे पीछे होते हैं लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं। दरअसल गार्ड्स को ये लगता है कि ये वो व्यापारी हैं जिनसे मॉर्गन ने नेकलेस का यानी कि फैल्कन हार्ट का सौदा किया है, इसीलिए वो उन दोनों को बहुत इज्जत के साथ अंदर ले जाते हैं। वही हमें ब्रेवस्टोन को और रूबी को दिखाया जाता है जो बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन जो कि असल में स्पेंसर है वो रूबी को यानी कि मार्था को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए मुझे इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मैं स्पेंसर के रूप में कमजोर था और मैं गेम के अंदर दोबारा आ गया। मार्था कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ब्रेवस्टोन को यानी कि स्पेंसर को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो गेम में इसीलिए आया था ताकि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सके जिस तरह से वो पहले गेम में था जहां पर उसे मार्था ने यानी कि रूबी ने पसंद किया था।
वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर माइलो को घोड़े के रूप में बंद किया गया है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन दो बार मारा जाता है जिससे उसकी दो लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके पास एक ही लाइफ है, अब वो घोड़े को बचा लेता है। वहीं ब्रेवस्टोन और रूबी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिंग को कैद किया होता है। ये मिंग को छुड़ा लेते हैं क्योंकि वो एक शातिर चोर है और अब मिंग की मदद से ये उस रूबी को, उस नेकलेस को यानी कि फैल्कन हार्ट को चुराना चाहते हैं। लेकिन जब मिंग को उस जगह पहुंचाया जाता है तो उसके अंदर चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रैप है। वहीं हमें शैली और मॉस को दिखाया जाता है जिन्हें योर्गन के लोग योर्गन के पास लाते हैं ताकि वो फैल्कन हार्ट का सौदा योर्गन से कर सके। दरअसल योर्गन फैल्कन हार्ट के बदले इनकी सिस्टर से शादी करना चाहता है लेकिन इनके साथ इनकी सिस्टर नहीं होती। तभी वहां पर रूबी आ जाती है जो कहती है कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, पर इनका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि यहाँ योर्गन को एक लेटर मिलता है जो कि उन्हीं दोनों भाइयों का होता है जिन्होंने इनके साथ सौदा किया था। वो कहते हैं कि किसी काम की वजह से हम नहीं आ रहे। योर्गन समझ जाता है कि ये बहरूपी हैं। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन सबको पकड़ लिया जाए। तभी यहाँ पर ब्रेवस्टोन आता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वो योर्गन के ऊपर हमला करता है। योर्गन को उसके प्रहार का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो ब्रेवस्टोन को उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन अपनी जेब से उसी बैरी को निकालता है जो उसने अपने साथियों की मदद से हासिल की है और जब योर्गन उस बैरी को देखता है तो वो पीछे हट जाता है और अपने आदमियों को इनका सामना करने के लिए कहकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब वो उन दो भाइयों के पास जाना चाहता है जो यहाँ पर योर्गन से सौदा करने के लिए आने वाले थे। ब्रेवस्टोन जब उसे जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। योर्गन अपने फ्लाइंग शिप से यहाँ से निकल रहा होता है लेकिन ब्रेवस्टोन रस्सी पकड़कर शिप तक पहुंच जाता है और योर्गन के ऊपर बेरी से हमला करता है। दरअसल ये बेरी उसकी वीकनेस है इसीलिए कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्रेवस्टोन उसे मारकर नीचे फेंक देता है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन भी नीचे गिर रहा होता है लेकिन वो रस्सी पकड़ लेता है और तभी हम सामने से मिंग को और हॉर्स को देखते हैं जो ब्रेवस्टोन को बचाने के लिए आते हैं। दरअसल मिंग और कोई नहीं बल्कि ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर के दादाजी हैं और घोड़ा उनका दोस्त माइलो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोड़े के पंख भी हैं जिससे वो घोड़ा उड़ना शुरू कर देता है और जल्दी ये ब्रेवस्टोन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेवस्टोन के पास फैल्कन हार्ट है जो वो मिंग की तरफ फेंकता है। मिंग उसे पकड़ लेता है। ब्रेवस्टोन कहता है कि इसे सूरज की तरफ ले जाओ और वहां जाकर तुम्हें कहना होगा जुमांजी। दरअसल ये बर्फीला इलाका है इसीलिए बादलों के ऊपर सूरज की किरणें हैं और अब मिंग अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर बादलों के ऊपर चला जाता है जहां पर वो फैल्कन हार्ट को सूरज की किरणों के सामने रखता है। ये सब के सब मिलकर कहते हैं जुमांजी और जुमांजी कहते हैं सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है यानी कि जुमांजी जंगल का, इस दुनिया का जो श्राप है अब वो खत्म हो चुका है। श्राप खत्म होने के बाद यहाँ पर गाइड आता है जो इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजना चाहता है लेकिन माइलो जो कि हॉर्स है वो अपनी दुनिया में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बीमार है और जल्दी मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी इसी दुनिया में हॉर्स बनकर इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है। इसके बाद गाइड इन सबको इनकी दुनिया में वापस भेज देता है। अपनी असली दुनिया में वापस आने के बाद स्पेंसर को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा होता है। उसके दादाजी को भी अब गेम अच्छा लगता है और ये सारे के सारे दोस्त तय करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस फिल्म के जो दो बाकी के पार्ट्स हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।